सर, स्टार्टिंग में जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी, तब मुझे पता नहीं था कि प्रीलिम्स निकालना इतना मुश्किल है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है. अगर कोई लेमैन बच्चा देखेगा, सिलेबस देखेगा और क्वेश्चन पेपर देखेगा प्रीवियस ईयर के, तो उसे उस वक्त नहीं लगेगा कि इसको निकालना इतना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सिंपल सिलेबस है. अगर हमारे पास टाइम बहुत हो तो वो हम हर क्वेश्चन कर पाएंगे, पर एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर इतना होता है कि वो आती हुई चीज़ भी हम नहीं कर पाते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी. सो बहुत सारे सफ़र हमने आपके साथ तय किए हैं, आपने हमारे साथ तय किए हैं, क्योंकि दोनों का सफ़र एक दूसरे के साथ है. और आपका मेन सफ़र जुड़ा है हमारे टॉपर्स की बातों के साथ, उनकी जितने भी सफ़र उन्होंने आपके साथ अपनी जर्नी के दौरान तय किए हैं. वो ऐसा ही एक टॉपर आज हमारे बीच में बैठा है जो आपको बताएगा कि उसने अपनी जर्नी कैसे कवर की, अपनी सिलेक्शन को कैसे कंप्लीट किया. तो ऐसे एक टॉपर से उनके बारे में जानते हैं. सो मैम, प्लीज़ अपने बारे में हमें कुछ बताइए. थैंक यू सो मच सर. अनअकैडमी का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. मेरा नाम शिवानी है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, फिज़िक्स ऑनर्स में. उसके 2019 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई. उसके बाद मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सोचा, तो अब फिर 2022 में मैंने सिलेक्शन लिया. ठीक है, तो आप ये बताएंगे आपने कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, कितने एग्ज़ाम आज तक प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, कितने मेंस क्वालिफाई किए हैं, जस्ट टू नो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले. सर, मैंने 6 to 7 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे. मेंस तो मुझे याद नहीं है. Okay. पर वैसे जो लास्ट ईयर में हुआ था वो 3 हुए थे, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क और IBPS PO. सो आपने ज्वाइन क्या किया? IBPS PO. ठीक है, कौन से बैंक में? इंडियन ओवरसीज बैंक. ठीक है, सो हम लोग एक छोटा सा रिवाइंड लेते हैं, फ्लैशबैक आपकी लाइफ की तरफ. सो आपकी लाइफ कैसी रही शुरू से? तो आपको क्या लगता था कि क्या बनना है और फिर एकदम बैंकिंग में आए, या शुरू से ऐसा लगता था कि बैंकिंग में जाना है? तो एक बार थोड़ा सा छोटा सा एक डिटेल हमारे सभी व्यूअर्स को जानना है. स्कूल लाइफ में सर मैं बहुत स्टूडियस थी, मुझे हमेशा रहता था कि पढ़ना है. पर ग्रेजुएशन में मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना और सीखना कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे अपनी केयर करनी है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में घर से बाहर निकल गई थी. ठीक है, बढ़िया. अच्छा, मैं बात करूंगा आज के सिनेरियो से प्लस लास्ट ईयर के सिनेरियो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं 10-15% का फ़र्क होगा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रीलिम्स क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है और कोई भी एग्ज़ाम दो तो टाइमिंग एक बहुत बड़ा इशू है. सो सबसे पहले तो मैं दो बातें पूछूंगा. मैं चाहूंगा कि दोनों का सवाल एक साथ मिले तो ज़्यादा बढ़िया है. क्या आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये सब पता था कि आजकल प्रीलिम्स निकालना या मेंस निकालना बहुत मुश्किल है और बहुत बढ़िया कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी? सो क्या ये आपको पता था, और अगर आपको पता था या नहीं पता था, तो किस सीनैरियो ने आपकी सोच को आपको बैंकिंग की तरफ खींचा? सर, स्टार्टिंग में जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी, तब मुझे पता नहीं था कि प्रीलिम्स निकालना इतना मुश्किल है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है. अगर कोई लेमैन बच्चा देखेगा, सिलेबस देखेगा और क्वेश्चन पेपर देखेगा प्रीवियस ईयर के, तो उसे उस वक्त नहीं लगेगा कि इसको निकालना इतना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सिंपल सिलेबस है. अगर हमारे पास टाइम बहुत हो तो वो हम हर क्वेश्चन कर पाएंगे, पर एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर इतना होता है कि वो आती हुई चीज़ भी हम नहीं कर पाते हैं. सो आपको किस चीज़ ने बैंकिंग की तरफ अट्रैक्ट किया और क्यों आपको लगा कि यस मैं कर सकती हूँ? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए. हाँ सर, ग्रेजुएशन के टाइम मुझे था कि मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है. मैंने स्टार्ट भी की जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें. मैंने बैंकिंग का सिलेबस देखा, मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ 1-1.5 साल में, अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी तो मैं कर लूँगी. और तब मैंने अपना एम बनाया था कि मैं 1 साल
में कर लूँगी, पर जब मैं कंपटीशन में गई तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। मैंने प्रीलिम्स की, मुझे मेरे लिए प्रीलिम्स निकालना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया था स्टार्टिंग में, और उस समय पता भी नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल। वो सब सीखने में मुझे थोड़ा, एक साल तो मुझे सब सीखने में ही लग गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पर उसके बाद प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आई चीज़ें, तो अब 1.5 साल बाद, दो साल लग गए ऑलमोस्ट, तब जाके सिलेक्शन हुआ। आपने जैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया, लोगों के लिए वो बहुत एक बड़ा लाइक कहते हैं ना टास्क हो चुका है। शायद मैं भी नहीं आज की डेट में शुरू करता तो मैं बोलता यार मैं हार गया हूँ। तो आपको क्या लगता है कितना आसान है प्रीलिम्स क्लियर करना, या उसके लिए करना क्या चाहिए? सर पर्सनली मुझे लगता है आज के ज़माने में मेंस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्रीलिम्स को क्रैक करना, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए। मेंस में हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम आराम से सोच सकते हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने होते हैं, पर प्रीलिम्स में हमें हर क्वेश्चन करना है और एक्यूरेसी के साथ, तो उस समय माइंड में प्रेशर भी होता है। रेगुलर प्रैक्टिस, मॉक्स देंगे, अगर सेलेक्टिव स्टडी करेंगे उससे हम आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जितनी फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, मॉक की प्रैक्टिस करिए, तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। कितने घंटे आप पढ़ती थी प्रीलिम्स के टाइम पे? जी सर। और कितने घंटे आपने जो पढ़ा, आपने तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, एक ऐसा स्टूडेंट नहीं जानता कुछ भी, उसको पता ही नहीं कुछ जिंदगी में क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है, उसको क्या होना चाहिए, जैसे कैसे पढ़ना चाहिए? सर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, उसके लिए हमें सिलेबस थॉरली पढ़ना है, और फिर उसके बाद हमें टीचर्स सेलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि YouTube पे हज़ारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको किसका समझ में आ रहा है किसका नहीं आ रहा आप सेलेक्ट करिए कि हाँ हमें इस एजुकेटर से कंटिन्यू करना है, फिर आप उनको रिलीजियसली फॉलो करिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन। ये नहीं कि कभी ये टीचर स्विच कर दो या कभी उन टीचर से पढ़ लो, आप फॉलो करिए उनकी जो वो कह रहे हैं, उन पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। प्रीलिम्स के लिए मॉक्स कितना इम्पोर्टेंट है आपको क्या लगता है? मेरा कल प्रीलिम्स है तो मुझे आज मॉक देना चाहिए या मुझे बहुत पहले से ही मॉक देनी शुरू कर देनी चाहिए? सर मॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम के टाइम। अगर सिंसियरली अगर हम मॉक देते हैं तो हमें जो एग्ज़ाम प्रेशर होगा वो तभी फील हो जाएगा मॉक देते वक्त, हम उससे टैकल करना भी सीख जाएंगे। और जैसे आपने बोला कि एग्ज़ाम डे पे देना चाहिए या नहीं, एग्ज़ाम डे पे कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जो टेंशन अगर आपको लेनी है एग्ज़ाम की, तो आप पहले 1-1.5 महीने पहले से ही लेना शुरू करिए, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तब से लेना शुरू करिए, तो पहले से ही आप मॉक्स देते रहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रिपरेशन में, तो उसको कभी अवॉइड ना करें, उससे भागे ना, क्योंकि बच्चे भागते हैं, उनको लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मॉक में तो हम ये नहीं देंगे, देखेंगे एग्ज़ाम में देख लिया जाएगा, ऐसा नहीं करना है, रेगुलर मॉक्स दीजिए, उससे आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। जैसे अगर हम मान लें ये टेबल पे बहुत सारे लोग पढ़ने आए हैं और मैं यहाँ पे आके बैठ गया, तो शायद मुझे लगता है कि ये सब अगर मुझसे बेहतर होंगे ना तो मैं शायद डर के कारण आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। जी सर। तो आपके साथ ऐसा हुआ था? जी सर बिल्कुल, जब मैं स्टार्टिंग में एग्ज़ाम देने जाती थी तो इतनी भीड़ आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इनके बीच में मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर तब प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी, पर धीरे धीरे जब प्रिपरेशन अच्छी हुई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने अपने आप ही वो सब चीज़ें देखना बंद कर दिया, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी जब मैं एग्ज़ाम देने जाती, मुझे बस इतना पता था मैं प्रिपरेशन करके आई हूँ, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और सिलेक्शन लेना है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा भी आपको मिला होगा, आपके दोस्त भी रहे होंगे, आपके क्लास के नॉन भी रहे होंगे, कि वो ऐसा कोई जो इस सबसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था और सिलेक्ट हो गया, या आप भी ऐसी रही जैसा आपने बताया, तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे ये लगता है कि यार नहीं मेरे से नहीं होगा, तो मुझे आगे स्टेप जाना चाहिए मेहनत करने के लिए या मुझे छोड़ देना चाहिए? सर छोड़ना तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि
जो डर गया वो मर गया। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करिए, ऑनेस्टली अपने ऊपर बिलीव रखिए और मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे वीकनेस से भागिए मत, अपना बेस्ट दीजिए, एक दिन सिलेक्शन तो होगा ही। अच्छा, कभी कोई आपकी लाइफ में ऐसा दिन आया कि मम्मी पापा मेरे को नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगी, और फिर उन्होंने आपको बोला या किसी और ने आपको मोटिवेट किया और देन यू गो अहेड, और या फिर खुद से सारा मोटिवेशन आया, कुछ भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो? सर बहुत बार, क्योंकि मैंने 2.5 साल मेरी जर्नी रही है तो उसमें मुझे बहुत फेलियर्स देखने को मिले हैं। तो जब भी मैं कभी आती थी एग्ज़ाम देके अच्छा नहीं गया या कोई रिज़ल्ट आया नहीं हुआ, तो बहुत बार ऐसा लगता था कि नहीं होगा या नहीं हो रहा है, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, सेल्फ डाउट कभी कभी आता था, पर वो नहीं आने देना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना है हमको। अगर आपको जिससे भी मोटिवेशन मिलता है आप कोशिश करिए मोटिवेटेड रहने की, किसी को कोट्स मोटिवेशनल कोट्स से मोटिवेशन मिलता है तो आप वो पढ़िए, फ्रेंड से बातें करिए, मम्मी पापा से बातें करिए। जैसे मैं जब करती थी तो जिस दिन रिज़ल्ट आया पता चला कि नहीं हुआ है, मैं उस दिन रो लेती थी, पर अगले दिन सुबह उठ के दोबारा से शुरू करती थी, दोबारा से स्टार्ट करती थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे स्टार्टिंग से दोबारा शुरू करना है। मैं थोड़े टाइम पहले अपना कुछ डिसीजन बदल रहा था कि मुझे ये करना है, पापा मेरे पापा ने एक ही बात बोली कि मैं बैठा हूँ तुझे टेंशन नहीं लेनी। तो कभी ऐसा दिन आया है? मतलब वैसे तो माँ बाप मुझे लगता है खुद से बढ़कर करते हैं, कभी कम नहीं करते, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पापा ने आपको कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ यार मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, तो कभी कुछ ऐसा दिन आया हो लाइफ में? नहीं सर, उन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं मुझे, मुझे खुद से था कि मुझे करना है। और मैं बचपन से ही, मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हैं, ही इज़ अ सर्विस मैन, तो मैं उनको देखती थी, वो रोज़ सुबह यूनिफॉर्म पहन के तैयार होके रोज़ सुबह जाते थे, तो मैं देखती थी वो इंसान हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है बस इसलिए क्योंकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो मुझे उससे खुद से मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे इनके लिए भी कुछ करना है, मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है, मुझे जॉब लेनी है, मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन खुद से आता है पेरेंट्स को देख के ही। अगर आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, आप समझेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे। वो भले कभी डायरेक्ट ना बोले पर खुद समझ आता है कि हाँ इनके लिए कुछ करना है। तो मैं वो मुझे ऐसे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेट रही। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा कुछ सुनकर। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं प्रीलिम्स क्रैक कर चुका हूँ, है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं प्रीलिम्स क्रैक हुआ तो मेंस के लिए शुरू किया, या प्रीलिम्स देने से पहले ही मेंस के लिए भी रेडी बैठे होते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर होना चाहिए प्रीलिम्स के बाद मेंस या पहले रखना चाहिए, मुझे आप इसके बारे में जरा बताइए। सर मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ ही करनी है क्योंकि उन दोनों की प्रिपरेशन में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रीलिम्स में क्वेश्चन थोड़े से इजी लेवल के आते हैं और मेंस में वही थोड़ा हार्ड लेवल का जाता है। अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा सिलेक्शन लेने में। तो क्या आपको लगता है कि अगर मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या कोई ऐसा फील मुझे पेपर में आएगा कि ये तो कुछ अलग ही आ गया, या नहीं आएगा, या आएगा ही आएगा कुछ, क्या आपको लगता है? नहीं सर, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके और आपने मॉक्स दिए हैं, प्रैक्टिस की है, तो आपको पेपर में ऐसा कभी नहीं लगेगा कि एकदम ही कुछ नया आ गया। अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है तो आप हर क्वेश्चन हर पेपर में कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके आएंगे ही। आपको अगर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा सफिशिएंसी के बारे में जस्ट डिस्कशन करूं, जो कि अगर मैं हाल ही के लास्ट 2-3 साल का एग्ज़ाम अगर पैटर्न उठा लेता हूँ, एक बार SVPO में 35 मार्क्स का था, IBPSPO मेंस में 20-25 मार्क्स, 30 मार्क्स का भी देखने को मिल जाता है, इस बार भी काफ़ी DI था, सो कैसलेट DI, टॉपिक बेस्ड DI, आपने ऐसे कितने क्वेश्चंस DI के रिलेटेड लगाए थे प्रैक्टिस के लिए, आपने कितने लगाए थे, 1000+, 500, 200, जो भी आप एक एक्यूरेट डाटा बताना चाहें कि हमारे व्यूअर्स ये जान पाए कि यार इतने तो लगाने बनते हैं अगर मैं मेंस में बैठने वाला। सर ऐसे कोई काउंटिंग मुझे याद नहीं है कि मैंने इतने लगाए होंगे, पर मैंने DIs के लिए अंकुश सर को फॉलो किया था और वो उनकी हर क्लासेस, उनकी जो पुरानी क्लासेस भी पढ़ी थी मैंने वो पूरी पढ़ ली थी, उसका हर क्वेश्चन। अगर मैं क्लासेस नहीं भी देखती थी, मैं वीडियो को पॉज करती थी, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती थी, उसके बाद मैं देख अगर मेरा वो सॉल्यूशन बन गया तो मैं देखती थी कि हाँ ये सॉल्यूशन सही है, आगे बढ़ो।
और अगर नहीं बना तो फिर मैं देखती थी सर कैसे कर रहे हैं, फिर उस वैसे मैंने प्रैक्टिस की थी DIs की, और मैंने बहुत क्लासेस देखी हैं, शायद बहुत होंगी उनकी, जितनी पढ़ी हैं मैंने सारी क्लासेस देख ली थी उस वक्त। एक बार जैसे कभी स्टूडेंट से बात होती है तो जो शुरू करते हैं ना, और मान लो उनको 2-3 टॉपिक्स के बाद रीजनिंग में पजल उठाना पड़ गया या सिटिंग उठाना पड़ गया, सो आपको पहले पजल में कितना वक्त लगा था और जब आपने पेपर में अपना पहला पजल बनाया था, पेपर में पहला पजल बनाया था, तो आपका कितना डिफरेंस आया और आपने उस डिफरेंस को कवर करने के लिए क्या किया? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे अभी भी याद है, प्रीलिम्स की पजल बनाने में मुझे 15-16 मिनट ऐसे लग गए थे। तो मैं सोचती थी कि बच्चे एक एक दो दो मिनट में भी रिप्लाई कर देते थे, लोग तो 54 सेकंड 55 सेकंड्स में भी रिप्लाई कर देते, मैं सोचती थी कैसे होता है। बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस की तो पता पड़ा कि हाँ ऐसी स्ट्रैटेजी, सर का मैंने अंकुश सर को ही फॉलो किया था पजल्स रीजनिंग के लिए, तो उनका सर लाइन मेथड है एक, तो वैसे बहुत प्रैक्टिस की उनकी पजल्स, तो मैंने बहुत की हैं, तो धीरे धीरे मेरा भी टाइम रिड्यूस होता गया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ये पजल एक मिनट के अंदर कर लूँगी, या 40 सेकंड्स में भी मैंने किए हैं कोई पजल्स, एग्ज़ाम में भी 50 सेकंड्स में, एक बार ऐसा था कि मेरे पास टाइम ही ऐसे 50 सेकंड्स बचे थे तो मैंने पजल बना ली और मैंने एक दो ही क्वेश्चन कर पाई ऐसे, क्योंकि 5 क्वेश्चन फिर नहीं हो पाया उसमें। आपका अपने मेंस के मॉक के बारे में क्या कहना है कि अगर मुझे मेंस क्लियर करना है और मेरे पास मॉक्स की चॉइस बहुत सारी है, बहुत सारी, तो मैं चाहता हूँ रेलेवेंट चीज जाए व्यूअर्स के पास कि कौन सा मॉक देना चाहिए। सर मॉक्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट कीड़ा का मॉक आता है, टेस्ट जोन, प्रैक्टिस मॉक, मैंने इनके मॉक्स लिए थे, इन्हीं से प्रैक्टिस की थी, तो मुझे इनका कंटेंट थोड़ा एग्ज़ाम लेवल का लगता था, और स्मार्ट कीड़ा का तो थोड़ा हाई लेवल का ही होता है, पर वो बात होती है कि अगर आप हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम लेवल की तो हो ही जाएगी, अगर एग्ज़ाम लेवल से हाई लेवल कर रहे हैं तो अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत बेटर परफॉर्म करोगे। मैं अपने सभी लर्नर्स को एक सजेशन ज़रूर दूंगा, ये पर्सनल लेवल पे भी है, कुछ मैम का सजेशन मिक्स करके दोनों आपने सुने, कि रेलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में भी नुकसान करा लेते हैं और कम पढ़ने के चक्कर में भी, बट अगर आप हैं आप में दम तो रेलेवेंसी से थोड़ा ऊपर जाइए, रेलेवेंसी अपने आप कवर हो जाएगी, बट इनिशियल नीड रेलेवेंसी तो चाहिए ही चाहिए। इंटरव्यू आपका कैसा था? आपने कहीं से इंटरव्यू के लिए बैच ज्वाइन किया, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, उससे पहले आपने कोई इंटरव्यू मॉक ज्वाइन किया या आपको किसी ने बताया कि इंटरव्यू किस लेवल का आता है, या आपने क्या इंटरव्यू का सिनेरियो आपका क्या था? सर इंटरव्यू के लिए मैंने एक बार कपिल काटपाल सर को एक मॉक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बता दिया था कि मतलब मेरा स्ट्रीम अलग था और मैं बैंकिंग में आई थी तो कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। एक यूट्यूब पे अनिल अग्रवाल सर हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, वो बताते हैं स्ट्रैटेजीज़ कैसे, हर बैंकिंग सेक्टर में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने उनकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी। फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, तो मेरा इंटरव्यू सर ज़्यादा नहीं चला था, 5-6 मिनट चला था, और उसमें भी उन्होंने मेरे फादर की जॉब से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा नहीं पूछे थे। बहुत लोग का इंटरव्यू पूरा बैंकिंग पे भी जाता है, पर मेरा पर्सनल पे गया था, तो ऐसे बहुत लोग माइंड में ऐसे सोच के जाते हैं कि बैंकिंग ही पूछेंगे या फिर वही प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आपको अपने बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए, पूरा सराउंडिंग के बारे में क्या चल रहा है उस वक्त, और बैंकिंग तो पता होनी चाहिए, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको इंटरव्यू फेस करने का। और एक बात और कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू में लोग इतना डरते हैं, उनको लगता है वहाँ नॉलेज चेक होगी, पर वहाँ नॉलेज नहीं चेक होती, क्योंकि बाकी दो जो एग्ज़ाम हम क्लियर करके आए हैं उनको पता है हमें कितनी नॉलेज है, वहाँ पे वो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए इंटरव्यू के टाइम, ऑनेस्ट रहिए और पोलाइटली अपने आंसर्स दीजिए। अच्छा बहुत सारे ना कहते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ शरारती तत्व जिनको ये लगता है कि जिंदगी में एक सवाल आता है मन में ज़रूर, है ना, कि क्या ज़रूरत है बैंकिंग में प्रीलिम्स देने जेके जाने की, मैथ्स पढ़ने की, जाके तो हमें यही काम तो करना ही नहीं है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर ये जो इंटरव्यू है ये भी हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं कि हम बैंक में
कस्टमर हैंडल कर पाएंगे या नहीं, कस्टमर का गुस्सा हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं अलग अलग तरीके के, तो कभी हमें हमें पोलाइट रहना है. पेशेंस सिखाता है, एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम पेशेंस सीख जाते हैं. तो हमें एक बैंकर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि हमें पेशेंट रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है. आपका इंग्लिश कैसा था? और अगर अच्छा था तो बहुत बढ़िया, तो क्या सुजेशन देना चाहेंगे? अगर नहीं अच्छा था तो आपने कैसे उस पर कवर अप किया? सर, इंग्लिश मेरा वीक सब्जेक्ट था. मुझे स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि कैसे होगा, सब बताते हैं कि रीडिंग से इम्प्रूव होगी. फिर मैंने रीडिंग करना शुरू किया. स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता था, पर धीरे धीरे क्योंकि करना तो था ही, उससे भागना कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया. पहले बेसिक न्यूज़पेपर से, जो जिसकी लैंग्वेज आपको इजीली समझ आए, आप उससे पढ़ना शुरू कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे द हिंदू पे भी स्विच कर सकते हैं, उसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है. तो मुझे भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिला रीडिंग से. मैं रीडिंग सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि रीडिंग ज़रूर करिए, एटलीस्ट एक एडिटोरियल पढ़े अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है तो. वो बहुत हेल्प करेगी वोकैब सुधारने में भी, और ग्रामर भी. अगर आप एक टीचर को फॉलो करिए, उसकी पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, उसमें आपको ग्रामर के रूल पता पड़ जाएंगे. और रीडिंग करते रहिए, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें टाइम लेती हैं. 3-4 महीने आप खुद में फ़र्क देखेंगे कि कैसे, मैं पहले कुछ नहीं कर पाती, मैं 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती थी, अब मैं 25 से ऊपर कर पा रही हूँ. अच्छा, मैथ्स के लिए सिंप्लीफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कि कैलकुलेशन के बिना मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता? हाँ जी सर, हाँ जी. तो इसलिए क्योंकि हम अक्सर कैलकुलेशन की चीजें वहीं सीखते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, टेबल, मल्टीप्लिकेशन. सो वही दायरा था. अब 15 सवाल मेरे पेपर में अगर एक ही तरह से प्रीलिम्स में आ गए, क्लर्क में और पीओ प्रीलिम्स में 6-7, 6-7-8 भी देखे हैं मैंने. सो मेरा ओवरऑल डीआई में भी यूज होगा. तो क्या आपको लगता है कि उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है? टेबल्स याद करने हो तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट याद करने. टेबल्स तो अब हाँ याद करने चाहिए, मैंने भी किए थे 15 तक. और स्क्वायर रूट्स भी जितना याद हो सके याद कर लो. और रेगुलर अगर हम जैसे 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, अगर हम रोज़ 10-10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें तो साल में 365 डेज़ होती हैं, तो हम 3000+ क्वेश्चंस हम रोज़ करेंगे. उससे हमें खुद धीरे धीरे वो टेबल्स याद हो, टेबल्स और वो क्यूब रूट्स भी याद होने लग जाएंगी जब वो क्वेश्चंस में आएंगे ना, कि जैसे 17 का स्क्वायर रूट क्या होता है. वो बार बार यूज़ होगा तो हमें खुद ब खुद याद होने लग जाएगा, अगर वो चीज़ प्रैक्टिस में रहेगी तो. और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका सॉल्व करने का टाइम भी कम लगेगा, तो वो प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा. ओवरऑल चीज़ें तो लाइक प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती हैं. अच्छा, जब आपका लास्ट ईयर मेंस हुआ था, करंट अफेयर ज़्यादा आया था जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में, या स्टैटिक जीके ज़्यादा आया था, या क्या ऐसा पोर्शन था जो सबसे ज़्यादा कवर हुआ था और आपको लगता है कि उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस वाले कैंडिडेट को? जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर ज़्यादा, हमें करंट अफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. और जो स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं वो भी करंट से रिलेटेड ही आते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें स्टैटिक के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है, हमें जो करंट चल रहा है उससे जुड़ी हुई स्टैटिक ही पढ़नी है. आज मेरा मेंस है और मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स तो तुक्के से क्लियर हो गया, बट मेंस में क्या होगा, और इसके बाद इंटरव्यू भी है, बट हाल फिलहाल में आज मेरा मेंस है. सो मेरे लिए एक पर्सनल लेवल पे सजेशन क्या होगा? सर, अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हैं, काम आप जितना रह सकते हैं आप उतना रहिए. आपको मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेट करिए. उसके बाद कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचिए. कौन कितने लोग आए हैं या फिर इनको मुझसे ज़्यादा आता है, ये सब ख्याल अपने दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए. मैंने मेहनत की है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. आप अपने ऊपर बिलीव रखिए. और क्योंकि हमें पता है कि हमें सारा क्वेश्चन, सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें सेलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं. और उतना मैं पढ़ के आई हूँ कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने ऊपर बिलीव रखिए. ठीक है. अच्छा, आप एक टॉपर रही हैं, जो कि एक हर कैंडिडेट का एक सपना होता है आने वाले टाइम में कि मुझे भी यही करना है. आपको क्या लगता है सीईटी में अगर कोई चेंज आएगा तो हमारे लर्नर्स घबरा जाते हैं कई बार, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, ऐसा क्या चेंज आ जाएगा? सर, बच्चे डरते हैं कि सीईटी है क्या होगा या सिलेबस चेंज हो जाएगा. पर एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि वो नया है तो वो सबके लिए नया है.
आप एक दूसरे में ही कम्पीट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इस सिलेबस में पढ़ रहे थे वैसे आप वहाँ पढ़ेंगे, थोड़े टॉपिक्स अलग होंगे। और जो न्यू बच्चे जो स्टार्ट करेंगे इस साल या अगले साल जब भी CET आता है, तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो फिर वही सिलेबस होगा। आप पहला अपना प्रीलिम्स देने गई थी, पहला, हाँ जी, सो आपका क्या प्लान था? सर तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं, क्योंकि मैंने बताया पहले कि पेपर देख के मुझे ऐसा लगता था ये तो मुझसे हो जाएगा, पर जब एग्ज़ाम देने बैठी और टाइमर जब वो साइड में चलता रहता है ना, तो वैसे ही दिल की धड़कन बढ़ती रहती है कि इतना टाइम कम बचा है और इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं, तो उस समय बहुत प्रेशर फील होता था, पर फिर प्रैक्टिस से वो प्रेशर हैंडल करना भी सीख लिया। जो आपने आखिरी अपना प्रीलिम्स क्लियर किया था, हाँ जी, वो तो पहला था, हाँ और जिस दिन क्लियर किया था उस दिन क्या फीलिंग थी? सर मुझे याद है 2020 में मेरा फर्स्ट SBI क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो उस समय मैं देकर आई थी, पर मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा वो हो जाएगा, पर वो मेरा पेपर अच्छा गया था, तो फीलिंग बहुत अच्छी थी सर। अच्छा लगा था कि हाँ अब प्रीलिम्स हो रहा है, तो उसी के बाद से फिर मैंने थोड़ा सोचा कि अब थोड़ा मेंस की भी तैयारी किया जाए। अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया कि आज आप IBPS PO बन गई हैं, हाँ जी सर, सो उस दिन क्या सिनेरियो था आपके घर का और आपका? सर मैं रात को पढ़ती थी और सुबह थोड़ा लेट उठती थी, ऐसे 10-11 बजे, तो उस दिन मुझे याद है 10-11 बजे मैं सो के उठी थी और रिज़ल्ट आ चुका था, तो मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और उसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो वो देखते ही मैं इतना, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी और मैं एकदम चुप हो गई थी। मम्मी आई, मम्मी को लगा हुआ नहीं, फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा हो गया सिलेक्शन, तो मम्मी के आंखों में आंसू थे, पापा भी बहुत खुश थे, अगल बगल सबको बताया, सब खुश थे, और फिर मम्मी पापा ने स्वीट्स वगैरह भी बांटे, तो वो दिन बहुत मेमोरेबल है मुझे, आज भी जब भी मैं याद करती हूँ तो कभी कभी ऐसे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ था और मुझे भी ऐसा लगा था कि मैंने जो चाहा था वो मैंने अचीव कर लिया, टाइम लगा पर हो गया। क्या खिलाया था फिर मिठाई में? सर लड्डू। मेरे को लगा काजू कतली। चलिए, सो बहुत सारी नॉलेज भरी बातें हो गई एग्जाम को लेकर, अब कुछ फन एंड ऑल आपसे मैं सवाल पूछूंगा, तो आपको उनका रैपिडली जवाब देना है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट वेकेशन यू टुक? सर ऊटी गए थे हम, बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, ओके, तो आप कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं? चाय? चाय, चाय, ठीक है, ओके। आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट एक्टिविटी है, लाइक एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी? सर मैं जॉगिंग ही करती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा या फिर जॉगिंग डेली। हाँ चलिए बढ़िया है, ओके। सो आपका कंफर्ट फूड क्या है, मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगता है, यार ये तो कभी मिल जाए? पानी पूरी। पानी पूरी, ठीक है, तो कभी भी सुबह मिल जाता है क्या? नहीं। ठीक है, ओके। सो जब अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग या पेंडेमिक के ड्यूरिंग आपकी हॉबीज़ क्या रही? सर मैंने हॉबीज़ डेवलप करने की कोशिश की, मेरी थी नहीं, तो मैंने बुक्स रीड करना शुरू किया है, तो अभी मैं बुक्स रीड कर रही हूँ। कितनी बुक्स रीड कर चुकी हैं? अभी एक अमीश त्रिपाठी की ट्रायोलॉजी कंप्लीट की है। कितनी कर चुके हैं? उसमें ट्रायोलॉजी में 3 पार्ट्स थे, तो 3 बुक की है। ओके, सो लाइक आपने कोई ऐसी चीज जो टीवी पे लास्ट, कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग सीरियल और स्ट्रीमिंग पे किसी भी चैनल पे देखा हो लास्ट? मूवी देखी है सर। कौन सी? RRR। RRR अभी लास्ट मूवी देखी है? हाँ। की पुरानी मूवी? हाँ। ठीक है, ज्यादा मूवीज देखती हूँ। ओके ओके, बढ़िया है। सो अगर आपको दुनिया में कहीं भी एक जगह जाने का मौका मिला तो कहाँ जाएंगे आप? सर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, कोई रीजन? सर व्लॉग्स देखे हैं वहाँ के, बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, ओके। सो आप स्वीट पसंद करती हैं, सेवरी स्नैक्स? स्वीट। कौन सी? स्वीट में कुछ भी, पेस्ट्रीज मेरी फेवरेट है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपने पूरी ड्यूरिंग जर्नी की जो किया वो हमारे स्टूडेंट्स को पता लगा, और आई होप आप सबको भी इनके व्यू से कुछ ना कुछ, देखिए कहते हैं बहुत कुछ नहीं सीखो बट कुछ भी मिल जाए तो हो सकता है वो हमारे काम आ जाए। सो अब हम आपको अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट
आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए. थैंक यू सर. सो ये एक लास्ट, एक टिप और मैसेज की तरह, अगर आप कुछ भी, एक लास्ट टिप और मैसेज जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लर्नर्स को जरूर दें. जो आपने जर्नी डिसाइड की है कि आपको बैंकिंग करना ही है, तो आप पहले से ही समझ लीजिए कि इसमें फेलियर्स भी आएंगे, तो आपको फेलियर्स से टैकल करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर बिलीव रखिए, आपने मेहनत की है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. टाइम लगेगा थोड़ा, पर एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच, आप आई बहुत दूर से सफ़र तय करके, और विश यू वेरी गुड लक कि आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहें और जो भी आपको अचीव करना है वो ज़रूर मिले. थैंक यू सो मच सर. मैं अन अकेडमी का और CTWT की पूरी टीम का थैंक यू करना चाहूँगी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, और मैं अपनी फैमिली को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, और जो फ्रेंड्स मेरे साथ इस जर्नी में रहे तो उन सबको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी. सो आई होप आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, हमेशा की तरह जो बाकी वीडियोस थी, और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हमें आपको मोटिवेशन नहीं देनी, हमें आपको एक रास्ता देना है, और आप उस रास्ते से क्या उठा सकते हो बस वो आपको उठाना है हर वीडियो से. सो आप यूं ही बने रहिए कैमोमाइल TV टॉपर के साथ, हम आपके लिए रोज और जितना भी पॉसिबल हो पाएगा कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे. सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.